लो जी अपना आज का स्टे है स्प्री होटल आगरा, कल देखेंगे ताजमहल। अभी एक दो छोटी मोटी और चीज़ें हैं, पहले पहुँच जाए रूम में फिर बात करते हैं। लो जी ये है अपना स्प्री का रूम, आगे चलते हैं बाहर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल कुमक्कड़ सज्जन में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी मैं हूँ आगरा के अंदर, आज हम जा रहे हैं आगरा के ताजमहल, जो कि वर्ल्ड वाइड नोन है, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। अभी मैं रुका हूँ स्प्री होटल करके है आगरा के अंदर ही, ये आई लव आगरा का जो साइन है वहाँ पर है उसके बिल्कुल सामने। बस यहाँ से अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और निकल रहे हैं सीधा ताजमहल। तो जी पहुंच गए ताजमहल की टिकट बाइंग जगह पे, यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है, उसे स्कैन करके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो टिकट। हम 4 लोगों की 180 रुपीज़ की पड़ी है, तो लगभग 4500 रुपये पर पर्सन, और अगर वही फॉरेनर्स हैं तो फॉरेनर्स की 1300 रुपये की टिकट है। मैंने गलती से सिलेक्ट कर लिया था, 1300 पर पर्सन के हिसाब से 4200 रुपये की टिकट आती है। देखिए ये QR कोड है जिससे आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो टिकट। चल दूसरा क्या है, फिर जब टिकट बुक हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ से 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये लेनी पड़ेगी। इसमें आराम से 4-5 लोग आपकी फैमिली के बैठ के चले जाएंगे, तो आपको ताजमहल के गेट पे खड़ी है। देखो जी कुछ इस तरह की ई कार्ट है, ये फुल हो चुके, हम अगली में जाएंगे। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट की कार और ये चल पड़ी अपनी इलेक्ट्रिक कार्ट। वो देखिए 20 रुपये पर पर्सन की टिकट है, इस बंदे ने भी रोक रखी है यहाँ पे, टिकट कलेक्ट कर रहा है। देखिए जो सारे कंट्रीज हैं जिनका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, वो कुछ मतलब इंडिया के ग्रुप है सार्क का, उसके अंदर जो बंदे हैं उनके लिए 540 रुपये की टिकट है, वरना वही टिकट यहाँ पर भी 1300 रुपये की थी। लो जी चेकिंग चुकिंग कर आगे आ चुके हैं अंदर। ये जा रही है टनल ताजमहल की तरफ। लो जी कजन को जाने पे 100 रुपये जुर्माना, महिलाएं पुरुष उतर जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पर है सारी की सारी डिटेल्स, ताजमहल जब शुरू हुआ था 1874 की, बहुत तेज हो रहा है, 1882 की फोटो है, तो 1898 में 1899 में 1901 में 1959 में, ये रंग बिरंगी फोटो है और ये आला सा बन गया। <laughs> 2007 के अंदर सर्वे हुआ था वर्ल्ड वंडर के लिए, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में ताजमहल टॉप पे था, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे ताजमहल को। सोचो बुक का लिंक है, अभी 6 वंडर रह रहे हैं, वो भी जल्दी घुमाएंगे आपको। अगर आपको बाकी के 6 वंडर के नाम पता हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए गार्डन और वो रहा था आज में। 3 दिन हो गए। ये है इसका एंट्रेंस गेट। दिल्ली में ताजमहल से सिमिलर स्ट्रक्चर में एक चीज बनी हुई है, अगर वो आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। वहाँ देखो वहाँ पर एंट्रेंस पे खड़े हैं, सारा कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है ताजमहल में, आयतें लिखी हुई हैं। तो जी यहाँ से अंदर से दिख रहा है ताजमहल, ये देखिए। चलो अंदर ले जाके देखो, भीड़ देखो आप, आज संडे है, भीड़ का कोई नाम ना ही ले तो बढ़िया है, ऐसा तो ये टूरिस्ट स्पॉट है, हर जगह पर ही रहती होगी भीड़। तो जी ये लिखी हुई है कुरान की आयतें, देख के नीचे। लो जी
कबूतर बैठे हैं सारे में, बट उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर रखा जिस हिसाब से होनी चाहिए मेंटेन। गंदगी गंदगी हो रखी है सारे में। गंद पार ये देखिए ताजमहल। भीड़ देखिए आप, उससे ज़्यादा जितने स्क्वायर फीट में ताजमहल उससे ज़्यादा स्क्वायर फीट में लोग खड़े हैं। लो जी, उस वाले स्पॉट से बेटर स्पॉट है ये फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। और एक बताता हूँ आपको, जो स्कैम यहाँ पे सबसे कॉमन है, यहाँ वो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे जूते के लिए कवर खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, अंदर जूते अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। सारे लोग नॉर्मली घूम रहे हैं देखो, बिना किसी कवर कवर के सबने जूते पहन रखे यहाँ पर। तो ये एक स्कैम है, इससे बच के रहें। हर टूरिस्ट प्लेस पर कुछ ना कुछ स्कैम होता है, तो यहाँ पर जो फालतू के स्कैम है उनसे बच के रहें। कैमरे घूमने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना कैमरा लेकर ही आया हूँ, ड्रोन नहीं उड़ा सकते। बस आप यहाँ से 13-14 किलोमीटर की रेंज के बीच में ताजमहल की, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, वरना बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ आपके ऊपर लग जाएंगे। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। लो जी, चले आगे ताजमहल की तरफ। लो जी, फोटो वगैरह खिंचवा के अब आ चुके हैं हम इस तरफ। यहाँ पर है एक पानी का पॉन्ड और फिर वो बहुत सारी भीड़ ऊपर। लो जी, यहाँ पर आ गया है पानी का पॉन्ड, तो वहाँ पर ताजमहल, ये बहुत सारी भीड़ हमेशा की तरह। ये परिंदे हो रहे हैं इस टाइम पे। ये ऊपर क्या चीज़ है ये नहीं मुझे पता। तो जी, एक थंबनेल बनाएंगे यहाँ के लिए हम, जो वीडियो के आपने स्टार्टिंग में देख ही चुके हो। देखिए जी, ताज बिल्कुल पास से कैसा लगता है। इसके चारों तरफ गुंबद बने हुए हैं। तो जी, पहुंच गए ऊपर ताज की तरफ। अभी देख रहे हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पे, रोक रहे हैं नहीं रोक रहे, जाने दे रहे हैं। लो जी, देखिए यमुना नदी। और अभी थोड़े दिन पहले जब बाढ़ आई थी तब पानी यहाँ यहाँ तक घूम रहा था, दीवारों तक, लोगों के लिए बंद भी कर दिया था ताजमहल को। देखो कितना कितने लेवल तक आई होगी ये।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।